हाँ रिपेयर का काम भी सही से नहीं हो रहा है ना। अच्छा, रिपेयर का भी जो भी काम होना चाहिए वो भी सही से नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं गंडाल गांव में, तरियाल जीपी के गंडाल गांव में, और मैं आपको बताऊं कि रामपुर से जो ये PMGSY रास्ता है इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जो जाके चाकुलिया वाले सड़क PWD में मिलेगा। तो इस रास्ते का काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। कुछ यहीं के गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे ही बात करके यहाँ का जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद कैसर आलम। मोहम्मद कैसर आलम, इसी गांव से हैं? नहीं, लवचा। लवचा, तो इधर से आप लोग आना जाना करते हैं? अच्छा, तो अभी जो रामपुर से आपका ये रास्ता PMGSY रोड जो है, ये जो रिपेयर हो रहा है, किस कैसा काम हो रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं, काम अच्छा ही हो रहा है। जहाँ मिट्टी लगता है मिट्टी देता है वो लोग, अच्छे काम अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, रिपेयर का काम हो रहा है? रिपेयर का काम हो रहा है। अच्छा, पीछे रिपेयर हुआ है? हाँ, उधर हुआ है। अच्छा, कैसा काम हुआ है उधर? अच्छा ही काम हुआ है। आप लवचा से जब यहाँ आते हैं तो पीछे काम तो अच्छा दूर है? यहाँ से दूर है, लेकिन हम लोगों के वहाँ से आ गया है काम। काम बहुत अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद रफीज आलम। कहाँ घर हुआ? घर हो गया लवचा। लवचा जी, तो ये रास्ता आप लोगों का भी मेन सड़क है आने का? हाँ, मेन सड़क है। तो अभी जो रिपेयर का काम चल रहा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ सामने मिट्टी डाला जा रहा है, किस तरह हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। पैसा वैसा खा के तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, पैसा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं और देखभाल भी कर रहे हैं। अपना काम है, अपना रास्ता है। हाँ, तो हम इनको दायित्व पड़ता है कि हम लोग अपना काम अपने से करेंगे। अच्छा, तो बढ़िया काम होगा। अच्छा, आप भी रोड में काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। कोशिश ये है कि अच्छा से अच्छा हो। हाँ, अच्छा से अच्छा। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। या ठेकेदार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम लोग बढ़िया काम करता है, हम लोग भी अच्छा लगता है, साथ साथ रह करके काम करता है हम लोग। अच्छा, रोड के यहाँ के मैनेजर, की नाम दादा अपना? আমার নাম শম্ভুপাল। বাড়ি রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ, তো রায়গঞ্জ থেকে আপনারা এই চাকুলিয়া ব্লকে এসে কাজ করছেন, অনেক রাস্তায় আমরা দেখছি অনেক অভিযোগ মানুষের, কিন্তু এই রাস্তাতে দুই একজন বললো যে কি ঠিকই কাজ হচ্ছে, তো আপনারা কি কাজ ভালো করছেন? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, গ্রামের লোকের সহযোগিতাতে এখানে কাজ ভালোই হচ্ছে, খারাপ হচ্ছে? গ্রামের মানুষগুলো, গ্রামের মানুষ সবাই সহযোগিতা করছে। অনেক গ্রামে এরকমের অভিযোগ যে মানে কেউ টাকা চাচ্ছে, কেউ পয়সা চাচ্ছে, কাজ করতে? না না না, এরা কাজ চাচ্ছে, কাজ ভালো চায়। আমরা ভালো কাজ করছি, গ্রামের লোকের সহযোগিতাও পাচ্ছি এবং কাজ সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে। আর চাচা, কি নাম আপনার? তাজউদ্দিন। কহাঁ ঘর হুয়া? আরানি। আরানি, হ্যাঁ। আচ্ছা, इस रास्ते से आप भी चलते? हाँ, चलते हैं। कैसा काम हो रहा है बताइए? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, और इसको भी बोलते हैं तो बढ़िया से काम करो। हाँ, आपका कॉन्ट्रेक्टर का नाम होगा? हाँ, तो काम अच्छा ही हो रहा है। जो काम कर रहा है वो तो हमारी हमारी गाँव का आदमी है। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, और भी भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इजहार अशरफ, मैं गंडाल का ही हूँ। रोड का जो ये मेंटेनेंस हो रहा है ना, रिपेयर जो भी हो, काम तो ऐसे ही जैसे होना चाहिए वो तो उस तरह से हो नहीं रहा है। हमको पता चला कि जहाँ जहाँ गड्ढा हुआ है सिर्फ वहाँ पे हो रहा है। अगर एक तरफ से पूरा पिचिंग करे तो रोड का लास्टिंग ज़्यादा होगा, वैसा ही हो रहा है। पीछे हम आगे नहीं आके देखे हैं, हमको कोई बताया, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं, जो इसका कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई भी हो या ब्लॉक लेवल से काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गंडाल में कैनल हो, इसको नाला छोटा ही नाला हो जो बारिश का पानी हम लोग का सप्लाई कर सके। अच्छा, बारिश के समय में आप लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत होता है? अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं इस रोड को ना, इस हालत में उस वक्त नहीं रहता है, चलना फिरना इतना दुश्वार रहता है कि यहाँ का आदमी खुद परेशान तो है ही, बाहर वाले भी परेशान रहता है। इसलिए आपका चैनल से हम रिपोर्ट देना चाहते हैं वहाँ तक, जो भी इसका हो आगे वाला आदमी, चाहे कि वो कैनल के लिए कम से कम हमारे गंडाल के लिए जरूर सोचे। तो भाई साहब का ये कहना है कि जो ये रास्ते का रिपेयर हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक नाले की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, जो बरसात के मौसम में बारिश का पानी गाँवों में खलियानों में रुकने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती है, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे। कहाँ? अब्बास। कहाँ के हैं? गंडल का, यहाँ घर है। अच्छा, तो बरसात का पानी आप लोगों के लिए लग जाता है? लग जाता है भाई। हाँ, मिट्टी लगा कर किताबों छींचता है। अच्छा, हाँ, गांव का पानी लगा। अच्छा, तो नाला लगेगा? नाला लगेगा। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनवर आलम। सनवर आलम जी, कहाँ के हैं? कासूर के हैं। कासूर के, ये कासूर? हाँ, ये कासूर। गंडाल और कासूर तो आपका मिला हुआ ही है। चलिए, तो ये रास्ते का अभी यहाँ पे काम हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं जी। लोगों ने कहा कि नहीं, काम काज ठीक हो रहा है, लेकिन एक नाले की ज़रूरत है, आप क्या कहना चाहते हैं?
नाले का जरूरत तो जरूरत है, वो तो बहुत ही जरूरी है, नाले का होना चाहिए। बरसात का मौसम में बारिश का पानी रुक के यहाँ पर परेशानी होती है। हाँ एकदम, बारिश के समय में बरसात का पानी रुकने की वजह से गाँव के लोगों को दिक्कतें होती हैं। हाँ हाँ दिक्कतें होती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं? यही मांग करते हैं कि नाला होना चाहिए यहाँ पर, और नाला नहीं रहने की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रहा है हम लोग गाँव की, हमारे कासूर में। बारिश का पानी रुकने की वजह से बीमारियाँ भी फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा। आप आइए थोड़ा आगे, क्या नाम हुआ आपका? अंसार आलम। कहाँ घर हुआ? गंडाल। अच्छा हाँ बोलिए। तो जिस तरह से आपका भी रास्ते का काम हो रहा है, हाँ। चलिए एक काम तो हो रहा है, हाँ। अब और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नाला एक नंबर दोनों तरफ होना चाहिए, और बारिश होने से दोनों कचरा हो रहा है, रोड फट जा रहा है, पूरा दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा जाने का आने जाने वो तकलीफ, और थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा। अच्छा बस ये सब, मतलब नाले की सख्त जरूरत है। हाँ नाला का पूरा जरूरत। अच्छा नहीं गड़बड़ हो, अभी खाली बस लेवलिंग करते चला जा रहा, खाली हाँ, पूछ करके ये सब काम सही नहीं। रास्ते में? हाँ रास्ते में। तो रिपेयर का काम है? हाँ रिपेयर है, उसके बाद नाला होगा ना, हम लोग नाना चाहिए। नाला का तो अलग स्कीम है। हाँ रिपेयर का काम भी सही से नहीं हो रहा है ना। अच्छा रिपेयर का भी जो भी काम होना चाहिए वो भी सही से नहीं हो रहा है। कहाँ देखा आपने? हमने अभी देखे गाँव में, अभी वहाँ रामपुर से लेकर लौचा मोड़ तक फुल पिच हुआ है, अभी तक रामपुर से लौचा मोड़ तक 4 किलोमीटर रास्ता फुल पिच हो गया है, बाकी रह गया यहाँ तक। अभी काम चल रहा है, सोमवार या मंगल के रोज यहाँ से सफाई करके काम शुरू हो जाएगा। मतलब पूरा रास्ता? हाँ पूरा पिच हो रहा है, पूरा पिच हो रहा है, पूरा फुल पिच हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ चलेगा फिर तो ये शादी का दुख होगा अभी नहीं। नाला का देखिए, नाला का एक अलग स्कीम होगा, ये रोड के साथ नाला अटैच नहीं होता है, ठीक है। नाला के लिए आप मांग कर सकते हैं, नाला सरकार देगी यहाँ पे, अगर जरूरत है देखेगा, लेकिन रोड का जो काम है अभी रोड का काम हो रहा है। अभी आप बता रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं चौड़ा करना पड़ेगा, पीछे से जो हो रहा है वो फुल पिच हो रहा है, फुल पिच हो रहा है। 4 किलोमीटर रास्ता एक बार कर पाएगा? 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर रास्ता एक बार कर पाएगा? तो कि मैंने यदि की अपना पूरा पिच करवाएं, मंगलवार दिन आसबे, मंगलवार दिन थेके फुल फिजे काज आरंभ होबे। ठीक ठीक, ये मैं गंडाल से आपको दिखा रहा था, लोगों से बात करके, रोड का रिपेयर का काम चल रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए गंडाल से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।